हेलो एवरीवन। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की। तो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को नापने के लिए हमारे पास पीएच स्केल होता है। ठीक, पीएच स्केल में जो पी है उसका मतलब हुआ पोटेंस, पोटेंस का मतलब हुआ पावर, और जो एच है उसका मतलब है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका मतलब पीएच स्केल वो स्केल है जो किसी भी सॉल्यूशन में या सब्सटेंस में हाइड्रोजन की पावर को मेजर करता है। ठीक, तो उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस हैं उसकी पावर को जो मेजर करता हो वो स्केल हमारा पीएच स्केल कहलाता है। ठीक, तो जो पीएच स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होके 14 पे एंड होता है। अगर ये कोई भी वैल्यू 7 से नीचे शो करता है तो वो चीज एसिडिक होगी, और अगर ये किसी भी चीज की वैल्यू 7 से ऊपर शो करेगा तो वो बेसिक होगी नेचर में, और अगर ये किसी चीज की वैल्यू 7 शो कर रहा है तो ये न्यूट्रल होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीएच स्केल में 7 से नीचे की तरफ को बढ़े, मतलब 7 से बिलो जाएं, 7 से 6, 5, 4 की तरफ को जाएं, तो इसमें हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो इंक्रीज हो रहे होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे होंगे इसीलिए एसिडिटी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो एसिडिटी इधर को इंक्रीज होती है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन इधर को इंक्रीज हो रहे होंगे। सिमिलरली अगर हम इस स्केल में 7 से आगे की तरफ को H+ आयंस की कंसेंट्रेशन देखें तो वो डिक्रीज हो रही होगी। इसी टाइप से अगर हम इसे बेसिसिटी के टर्म्स में देखें तो बेसिक वो चीज होती है जिसमें OH आयन की कंसेंट्रेशन होती है, और जिसमें ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक होगा। तो इसका मतलब OH आयन की कंसेंट्रेशन 7 से आगे की तरफ को बढ़ रही होगी और 7 से बिलो डायरेक्शन में वो घट रही होगी। ठीक, तो अब बात करते हैं कुछ चीजों की जो नोट करने लायक है। तो सबसे पहला ये कि ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट नेसेसरली एसिडिक, दे मस्ट डिसोशिएट टू फॉर्म H+ आयंस टू बी एसिडिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो एसिडिक ही होंगे नेचर में। उनका एसिडिक होने के लिए जरूरी है कि वो H+ आयंस बनाए किसी सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। ठीक, तो एग्जांपल के लिए ग्लूकोज और अल्कोहल, इनमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयंस नहीं बनाता है जिसकी वजह से वो एसिडिक नहीं होता। तो दूसरा जो पॉइंट ध्यान रखने लायक है वो ये, इट इज ऑलवेज एडवाइज टू एड एसिड टू वॉटर एंड नॉट वॉटर टू एसिड, बिकॉज द फॉर्मर वन is highly exothermic reaction and can cause severe burns। ठीक है, तो हमेशा एडवाइस किया जाता है कि हम वाटर में एसिड ना ऐड करें बल्कि हम एसिड में वाटर को ऐड करें, क्योंकि अगर हम वाटर में एसिड को ऐड करते हैं तो वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है जिसके वजह से सीवियर बर्न्स हो सकते हैं, या उस एक्सपेरिमेंट को जो भी कर रहा है उसके आसपास जो लोग होंगे उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच की। तो जो सबसे पहली इम्पोर्टेंस है इसकी वो ये, आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो जो हमारी बॉडी है वो जिस पीएच रेंज में काम करती है वो है 7 से 7.8, यानी हमारी बॉडी बेसिक मीडियम में काम करती है। ठीक, या ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को जो मीडियम चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो बेसिक होता है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे बॉडी में ब्लड होता है वो भी बेसिक होता है नेचर में, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंस है पीएच की वो है पीएच ऑफ रेन बिलो 5.6 इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो हम उसको एसिडिक कहते हैं। ठीक है, या वो रेन एसिडिक रेन हो जाती है फिर, और फिर वो डैमेज करती है बिल्डिंग्स को या जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको डैमेज करती है फिर। तो जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि पीएच चेंज कॉजेस टूथ डिके। तो अगर हमारे मुंह का पीएच चेंज होगा तो हमारे जो टीथ हैं वो डिके होना शुरू हो जाएंगे, यानी वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं उसका जो भी हिस्सा बच जाता है हमारे मुंह में वो बैक्टीरिया की फॉर्म ले लेता है जो कि एसिडिक होता है नेचर में, और ये जो उसका एसिडिक नेचर है अगर वो 5.5 से और बिलो चला जाए तो उसके बाद वो हमारे टूथ को खराब करना शुरू कर देता है। ठीक, तो इसीलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हम डेली बेसिस पे ब्रश करें अपने टीथ्स को, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक होता है नेचर में, और जब भी बेस एसिड के साथ मिलेगा जो कि हमारे मुंह में प्रेजेंट है एज बैक्टीरिया, तो वो दोनों आपस में मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी
और सॉल्ट और वाटर बनके वो साफ हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से हम अपने टीथ्स को डिके होने से बचा सकते हैं। अगला जो है इसमें वो है यूज बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर सेल्फ डिफेंस थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो आपने देखा होगा कई एनिमल्स अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे को स्टिंग कर देते हैं। तो जैसे आप मधुमक्खी को छेड़ो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्टिंग कर लेती है। तो जो उसका स्टिंग होता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इरिटेशन पैदा होती है बॉडी में। ठीक है, और वो जो एसिड होता है वो मिथनोइक एसिड होता है। तो उस इरिटेशन को ठीक करने के लिए हम बेस का यूज कर सकते हैं क्योंकि एसिड और बेस आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ऐसे केस में हम बेकिंग सोडा को एज अ बेस यूज कर सकते हैं। तो इसी टाइप से कुछ प्लांट्स को टच करने पे उनके जो स्टिंग्स होते हैं वो हमारे हाथों में घुस जाते हैं और उनमें एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इरिटेशन पैदा होती है। तो एग्जांपल के लिए जैसे नेटल लीफ होती है जिसको हम बिच्छू घास बोलते हैं हिंदी में, तो उसको टच करने पे जो उसके स्टिंग्स होते हैं वो हमारे हाथों में घुस जाते हैं जिसमें मिथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारे हाथ में इरिटेशन पैदा होती है। ठीक, तो अगर हमारे पास बेकिंग सोडा प्रेजेंट है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, उससे वो इरिटेशन दूर हो जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो पीएच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो पीएच होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि हमारे डाइजेशन के टाइम पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, और अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा तो जो पीएच वैल्यू है उसकी वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी और हमें एसिडिटी की शिकायत हो। तो उसको फिर ठीक करने के लिए हमें ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लेते हैं एंटा एसिड्स। ठीक है, तो जैसे हम इनो वगैरह जो ले लेते हैं ये सब एंटा एसिड्स होते हैं जो बेस का काम करते हैं और एसिड के साथ मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो एक और चीज जो यहाँ पे नोट करने लायक है वो ये कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, जिसका पीएच होगा 7। इसी तरह से अगर वीक एसिड और वीक बेस रिएक्ट कर रहा होगा साथ में तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसका पीएच होगा 7। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तो जो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग होगा उस टाइप का ही सॉल्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया हमने तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी एसिडिक बनेगा नेचर में, यानी उसकी पीएच की जो वैल्यू होगी वो 7 से बिलो होगी। सिमिलरली अगर एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा यानी उसकी पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। तो इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको मिस मत करना। तो आई होप जितने भी टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।